हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और हम लोग ये इस वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ सीखेंगे और हम लोग सीखेंगे। बहुत लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है तो हम लोग आज कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्ट। हम लोग जावा एडवांस पे सर्वलेट और जेएसपी को यूज़ करके हम लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आईडी के बारे में कुछ जानेंगे कि भाई आईडी क्या होती है। और उसके बाद हम लोग नेटबीन्स आईडी यूज़ कर रहे थे, तो क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है आईडी यूज़ करने का, तो ये सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पे, अगर मैं अपने स्क्रीन पे चलता हूँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे 37 ऑलरेडी सर्वलेट एंड जेएसपी में वीडियोज़ कवर कर ली हैं। दैट मीन्स हमने 37 वीडियोज़ सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मोस्टली कवर कर लिया है। और इतना कवर कर लिया है कि आप अगर इन 37 वीडियोस को देख लोगे तो आप प्रो हो जाओगे सर्वलेट और जेएसपी में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली। बट एक चीज़ मैं बता दूं कि इन सारी 38 वीडियोस में जो मैंने आईडी यूज़ की है कोड को लिखने के लिए, वो है नेटबीन्स आईडी। ठीक है, नेटबीन्स आईडी यूज़ किया है। और हम लोगों ने सर्वर जो यूज़ किया था बैकएंड के लिए, वो यूज़ किया था अपाचे टॉमकैट। ठीक है, तो नेटबीन्स आईडी पे हम लोग सिर्फ कोड लिख रहे हैं। अब जो आईडी होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो सिर्फ कोड को लिखने के लिए होता है और वो आपकी हेल्प करता है। जैसे वो इंटेलिजेंसी प्रोवाइड करेगा, या फिर आपको इंटेलिजेंसी के साथ साथ आपको, आपका रनर वहीं पे होगा, कोड रन हो जाएगा। या जैसे हम लोग नेटबीन्स यूज़ कर रहे थे तो हमें कोड को अलग से मैनुअली डिप्लॉय नहीं करना पड़ रहा था, वो डिप्लॉय भी कर रहा था। दैट मीन्स ये सारे काम वो आईडी, वो सॉफ्टवेयर खुद मैनेज कर लेगा। दैट मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का सिंपल मतलब है कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सारे टूल्स आपको प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप सॉफ्टवेयर को बहुत इजीली क्रिएट कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जावा के लिए मार्केट में बहुत सारी आईडीज अवेलेबल हैं। जैसे नेटबीन्स अभी अभी 9 आया, 10 आया, फिर अभी 11, नेटबीन्स 11 चल रहा है, तो आप नेटबीन्स यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था विद द हेल्प ऑफ नेटबीन्स। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं कि सर नेटबीन्स यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी नेटबीन्स ही यूज़ करूँ, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेटबीन्स आप यूज़ कर रहे हैं तो वो मेरी चॉइस है, मैं नेटबीन्स यूज़ कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप इक्लिप्स यूज़ कर सकते हो, आप इंटेलिजे यूज़ कर सकते हो, आप बहुत सारी डिफरेंट आईडीज़ हैं जो आपको पसंद हो। क्या पता अभी नेटबीन्स पे आप काम करते हो आपको ना अच्छा लगे, फिर आप इक्लिप्स यूज़ करो तो आप उस पर कंफर्टेबल फील करो, तो आपको इक्लिप्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना चाहिए और इक्लिप्स पे काम करना चाहिए। तो आपके पास इतने ऑप्शन है, तो आपको सारे ऑप्शन को एक एक करके क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो हमने नेटबीन्स पे बहुत सारा काम किया, इक्लिप्स पे बहुत सारा काम किया, इंटेलिजे पे इवन बहुत सारा काम किया। इंटेलिजे इज़ वन ऑफ द बेस्ट आईडी। ठीक है, बट J2EE वगैरह के लिए इंटेलिजे पेड है। तो आपके पास सिर्फ दो फ्री के ऑप्शन है, एक नेटबीन्स और एक इक्लिप्स। करने को तो लोग मैनुअली नोटपैड से भी कर लेते हैं, एक दो सर्वलेट बना के कर सकते हैं, बट आप पूरा प्रोजेक्ट नोटपैड से बनाना लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपको बनाना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने नेटबीन्स यूज़ किया था। तो नेटबीन्स का ये इंटरफेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नेटबीन्स का इंटरफेस है। और हम लोगों ने इसको कॉन्फ़िगर किया था अपाचे टॉमकेट के साथ, और अपाचे टॉमकेट के साथ कॉन्फ़िगर करने के बाद हमने बहुत सारी वीडियोज़ इस पर बनाई थी। इवन अगर मैं आपको बताऊँ तो 37 वीडियोज़ हम लोगों ने नेटबीन्स पर बना लिया है। यहाँ पर अगर आपको नेटबीन्स सीखना है तो इसमें से कोई भी वीडियोज़ आप ऊपर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर भी करके दिखाया था। देखिए, इंस्टॉलिंग अपाचे टॉमकैट। ठीक है, उसके बाद हमारे चैनल पे नेटबीन्स से रिलेटेड पहले से वीडियोस भी हैं कि कैसे आप इंस्टॉल करोगे, कॉन्फ़िगर करो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्लिप्स। जो फ्रेंड नेटबीन्स, जो हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारे फ्रेंड्स नेटबीन्स को प्रेफर नहीं करना चाहते, या वो चाहते हैं कि मैं नेटबीन्स पे कोडिंग ना करूं, तो उनके लिए एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, इक्लिप्स आईडी। इक्लिप्स आईडी आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको भी टॉमकैट के साथ कॉन्फिगर कर सकते हो, और फिर जैसे आप नेटबीन्स पे काम कर रहे हो एग्जैक्टली वैसे ही आप इक्लिप्स आईडी पे भी काम कर सकते हो। कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी आपको एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जहाँ पे आप कोड को लिख पाओगे, उसके पास भी इंटेलिजेंस होगा, सारी चीज़ें एग्जैक्ट सेम होंगी। बस हुआ क्या है कि वो दूसरी आईडी है, दूसरी आईडी है उसका, दूसरा उसमें थोड़ा सा आपको लुक एंड फील दूसरा होगा, बट काम एग्जैक्टली वही होगा। तो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि नेट इक्लिप्स को कैसे इंस्टॉल करना है, फिर कैसे आप उसको कॉन्फ़िगर करोगे, और उसके बाद मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के भी दिखा दूंगा जिसमें सर्वलेट को मैं एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा, सारी चीज़ें मैं करके दिखा दूंगा, जिससे कि जो हमारे सब्सक्राइबर या जो हमारे फ्रेंड्स, जो हमारे स्टूडेंट नेटबीन्स पे काम करना चाहते हैं नेटबीन्स पे काम कर पाए, और जो हमारे स्टूडेंट इक्लिप्स पे काम करना चाह रहे हैं वो इक्लिप्स पे कर पाए। एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि
आपको किसी एक आईडी के साथ चिपक के नहीं रहना है, क्योंकि बहुत बार जब आप जॉब करने जाओगे किसी कंपनी में, लेट सपोज आपने स्टार्टिंग में अपने सारे प्रोजेक्ट्स नेटबीन्स में बना लिए, अब सारे प्रोजेक्ट्स तो नेटबीन्स में बना लिए, बट जब आप जॉब करने गए कहाँ कंपनी में, वहाँ पे आपको इक्लिप्स पकड़ा दिया जाएगा। अब आपको थोड़े दिन तो उसको सीखने में लग जाएंगे, तो इसीलिए आप क्या करो, नेटबीन्स पे थोड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ, थोड़े इक्लिप्स बनाओ, थोड़े इंटेलिजे पे बनाओ, कोई नई आइडिया आती है तो उसको ट्राई करो। इसी तरह एडिटर्स के साथ भी है, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, मेरा सिंपल सा यही मतलब है कि अगर यू हैव टू नो ऑल थिंग्स, आपको सारी चीज़ आनी चाहिए अगर आपको मास्टर बनना है सारी चीज़ों में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कैसे आप इक्लिप्स इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद इक्लिप्स इंस्टॉल करने के बाद आप कैसे उसको टॉमकैट के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे और अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। इससे फ़ायदा उन लोग का होगा जो नेटबीन्स नहीं प्रेफर करना चाहते हैं, तो वो इक्लिप्स यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। और आप इक्लिप्स यूज़ करो या नेटबीन्स यूज़ करो, कोई मैटर नहीं करता, इट्स द सेम थिंग। आपको जावा वही लिखनी है, सर्वलेट वैसे ही बनाने हैं, रिडायरेक्शन रिक्वेस्ट डिस्पैचर वैसे ही करना है, जेएसपी के टैग्स वैसे ही लिखने हैं, सब कुछ एग्जैक्ट सेम। चलिए तो हम लोग देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैं अपना नेटबीन्स बंद कर दूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और गूगल पे टाइप करूँगा इक्लिप्स डाउनलोड या इक्लिप्स फॉर J2EE या इक्लिप्स डाउनलोड फॉर J2EE, क्योंकि इक्लिप्स के कई सारे वर्जन हैं। अगर आप J2SE के लिए डाउनलोड कर लोगे तो इक्लिप्स शायद J2EE वाला फीचर्स आपको ना प्रोवाइड कर पाए, तो मेक श्योर कि आप इक्लिप्स फॉर J2EE जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन वाला डाउनलोड करें। तो हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, और मैंने सर्च किया है इक्लिप्स डाउनलोड फॉर J2EE और सिंपल, तो मेरे पास पहली वेबसाइट ओपन होगी www.eclipseorg.com। आप सिंपली इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए और सिंपली यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखेगा इक्लिप्स आईडी फॉर J2EE, और यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड ऑप्शंस मिल रहे हैं। आपके पास विंडोज़ 32 बिट का ऑप्शन है, आपके पास विंडोज़ 64 बिट का ऑप्शन है, आपके पास मैक ओएस। तो हम, मेरा जो सिस्टम है वो विंडोज़ 64 बिट का है, तो मेक श्योर आप अपने सिस्टम के कंफर्टेबल चीज़ों को डाउनलोड करें। तो मैं विंडोज़ 64 बिट डाउनलोड करूँगा, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा सिंपली। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो सिंपली यहाँ पे इक्लिप्स देखिए डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्लिप्स देखिए J2EE कैपलर, तो ये दूसरा कैपलर का वर्जन है, तो इसको डाउनलोड करके सिंपली आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद eclipse.exe फाइल आपको मिलेगी, सिंपली उसको रन कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने जिप फाइल डाउनलोड की है यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड लिंक्स पे, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिंपली आपको eclipse.exe फाइल मिल जाएगी, और सिंपली आप क्या करोगे उसको रन कर दोगे। जैसे रन करोगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए इक्लिप्स का ये सेटअप ओपन हो जाएगा सिंपली, जहाँ पे आप फाइल एकदम नेटबीन्स की तरह। बट इनकेस अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हो, देखो यहाँ पे इंस्टॉल योर फेवरेट डेस्कटॉप आईडी, तो इस वाले डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड क्या करेगा, ये इंस्टॉलर डाउनलोड कर देगा। देखिएगा, मैं सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और ये क्या करेगा, देखिए थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग इक्लिप्स, और ये क्या, इसने क्या किया, देखिए 52 MB का एक इंस्टॉलर डाउनलोड कर दिया, ये देखिए 52 MB का। जब इसको डाउनलोड करोगे तो ये आपसे ऑप्शंस पूछेगा कि आप इक्लिप्स फॉर J2SE, कि इक्लिप्स फॉर J2EE, कि इक्लिप्स फॉर C++, तो आप उस पर इक्लिप्स फॉर J2EE पे क्लिक कर देंगे और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे, और सिंपली आप उसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। सिंपली आप उसको ओपन कर लेंगे, जब आपका इक्लिप्स ओपन हो जाएगा तो आपका इक्लिप्स का इंटरफेस ये वाला ओपन होगा जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। उसके बाद आपको इक्लिप्स जब ओपन हो जाएगा, और टॉमकैट तो आपने इंस्टॉल ही कर लिया होगा, तो हम क्या करेंगे सिंपली इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे इक्लिप्स को अपने टॉमकैट के साथ, चले देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली चलेंगे अपने विंडो पे, और यहाँ पे सो व्यू का एक ऑप्शन है, और हम इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे सर्वर्स, ठीक है। तो सो व्यू में देखिए आपको यहाँ पे सर्वर्स दिख रहा है, आप क्या करेंगे सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे दिखाएगा नो सर्वर्स आर अवेलेबल, क्लिक लिंक टू क्रिएट अ न्यू सर्वर, तो हम इस पे सिंपली क्लिक कर देंगे। ये पूछ रहा है कौन सा सर्वर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, टॉमकैट, बेसिक, क्लाउड फाउंड्री, IBM, ऑब्जेक्ट वेब, तो हम यहाँ पे अपाचे पे ओपन करेंगे, और यहाँ पे जो वर्जन आपका इंस्टॉल होगा टॉमकैट का, वर्जन 8.5, वर्जन 9, 8.0, तो हम टॉमकैट 8.5 पे
सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली सर्वर का नाम है लोकल होस्ट और नेम है, देखिए सर्वर का होस्ट नेम है लोकल होस्ट और इसका नाम है टॉमकैट वर्जन 8.5, हम सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। ये नाम रखा है, ये पूछ रहा है टॉमकैट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, दैट मीन्स टॉमकैट कहाँ पे इंस्टॉल है, तो हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और अपनी टॉमकैट की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे अपने सी ड्राइव में और सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में चलेंगे और यहाँ पे हम अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में चलेंगे और हमारे पास देखो टॉमकैट के दो वर्जन इंस्टॉल है, तो आप कोई भी कर लीजिए। मैं देखिए क्या करूँगा, टॉमकैट 5 पॉइंट नीचे वाले को सेलेक्ट करूँगा और याद रखिए आपको इसमें से कोई नहीं सेलेक्ट करना, बिन की पेरेंट डायरेक्टरी तक ही जाना है और आपको सेलेक्ट कर देना है। तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, मैं सिर्फ अपने टॉमकैट तक गया था, दैट मीन्स बिन की पेरेंट डायरेक्टरी, और फिर हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे सिंपली और फिनिश कर देंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कॉन्फ़िगर कर देगा और यहाँ पे देखिए टॉमकैट 8.5 आ गया है। अब सिंपली राइट क्लिक करके आप इसको स्टार्ट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट का ऑप्शन है, आप शॉर्टकट भी मार सकते थे कंट्रोल ऑल्ट और आर, मैं स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। सिंपली मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे अगर नीचे देख पाएं तो स्टार्टिंग टॉमकैट वर्जन 8.5 आ रहा है, ये कुछ स्टार्ट कर रहा है। और स्टार्ट करने के बाद अगर आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया स्टार्टेड स्टेटस, अगर आप कंसोल पे जाओगे तो कंसोल पे भी इसने देखिए लिख दिया सर्वर स्टार्टअप इन 692 मिलीसेकंड, दैट मीन आपका सर्वर इक्लिप्स ने इंस्टॉल कर दिया। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सर्वर को बंद कर देता हूँ। सर्वर को बंद करने के लिए आप सर्वर पे जाएंगे और सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टॉप का भी एक ऑप्शन है, तो आप स्टॉप कर सकते हो इस पर क्लिक करके, या इस तरफ भी देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको भी क्लिक कर सकते हो, स्टॉप हो जाएगा। परफेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट मैं बना के दिखा देता हूँ, जावा का एडवांस का प्रोजेक्ट, जिससे कि आप इक्लिप्स को भी यूज़ कर पाओ अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, या जो भी लोग हमारे फ्रेंड लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फाइल पे चलेंगे सिंपली और न्यू पे चलेंगे और यहाँ पे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, दैट मीन्स जावा एडवांस का हम लोग डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो हम डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, तो हम लिख देंगे माय प्रोजेक्ट स्टार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट डेमो प्रोजेक्ट, तो मैंने लिख दिया माय प्रोजेक्ट स्टार्ट। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपसे दो चीज़ पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कॉन्टेक्स्ट रूट, तो रूट कॉन्टेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट का नाम, कोई दिक्कत नहीं। और कंटेंट डायरेक्टरी, कंटेंट डायरेक्टरी का मतलब होता है जैसे अगर हम लोग नेटबीन्स पे काम करते थे तो वहाँ पे हमें वेब पेजेस का नाम दिखता था, वेब पेजेस के अंदर हमारे क्या होते थे, एचटीएमएल पेजेस होते थे, फिर इमेजेस वाले पेजेस होते थे, फिर वेब आईएनएफ होता था। यहाँ पे कंटेंट डायरेक्टरी में वेब कंटेंट होगा, इसमें सारे एचटीएमएल्स होंगे, इसमें सारे हमारे वेब आईएनएफ वगैरह होंगे। तो मेक श्योर ये फोल्डर इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे नेटबीन्स में वेब पेजेस फोल्डर होता था, यहाँ पे वेब कंटेंट फोल्डर होगा। अगर आपको क्या करना है, इस फोल्डर को चेंज करना है तो आप इस फोल्डर को बदल भी सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर आप नेटबीन से इस क्लिप्स पे आ रहे हो तो आपको अगर वेब पेजेस वहाँ पे आदत पड़ चुकी है तो यहाँ पे आप इसको चेंज करके वेब पेजेस कर दो, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं, इतना मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन सबसे अच्छा दिख रहा है, जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, तो आप इस पर चेक कर दो। इससे होगा क्या कि प्रोजेक्ट में साथ ही साथ जैसे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा वेब डॉट एक्सएमएल भी क्रिएट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। और फिर क्या करें, सिंपली फिनिश कर दीजिए। जैसे आप फिनिश कर दोगे तो आपका प्रोजेक्ट देखिए यहां पे रेडी हो गया, फोर्थ नंबर पे मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो सिंपली इसमें बहुत सारी फाइलें दिख रही हैं, बट हमें किसी फाइल से कोई मतलब नहीं, हमें सिंपली जावा सोर्सेस से मतलब है, जहां हम लिखेंगे अपना जावा का कोड इस SRC के अंदर। ठीक है, और नेटबीन्स में हम लोग का SRC का मतलब सोर्स पैकेजेस था, तो जो भी काम हम लोग सोर्स पैकेजेस में करते थे यहां पे हम लोग इस SRC के अंदर करेंगे सिंपली। दूसरी चीज़ हम आएंगे वेब कंटेंट में, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे HTML, CSS वगैरह इसके अंदर, और वेब INF के अंदर हमारी देखिए वेब डॉट XML फाइल है, जिसको ओपन करेंगे तो हमें वेब डॉट XML का कंटेंट मिल जाएगा, देखिए वेब ऐप। परफेक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम लोग एक सिंपल सा HTML पेज बनाते हैं और उसके बाद हम एक सर्वर बना के आपको चला के दिखा देंगे। ठीक है, तो हम लोग वेब कंटेंट में HTML पेज बनाना है, तो वेब कंटेंट में हम राइट क्लिक करेंगे और सिंपली न्यू पे चलेंगे, और आप JSP पेज बना सकते हो, तो हम लोग क्या करते हैं JSP फाइल पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आपको फाइल का नाम लिखना है, तो हम लिखेंगे index.jsp। मेक श्योर कि आप यहाँ पे एक्सटेंशन भी दोगे index.jsp, बट नेटबीन्स में हम लोग नहीं दे देते क्योंकि नेटबीन्स खुद से एक्सटेंशन लगा देता था, बट आपको यहाँ पे index.jsp पूरा लिखना पड़ेगा और फिर क्या कर देना, नेक्स्ट कर देना है और फिर आपको फिनिश कर देना है।
ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट फिनिश करोगे यहाँ पे वेब कंटेंट के अंदर index.jsp पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट क्या कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। तो आप चलेंगे विंडोज़ पे, प्रेफरेंसेस पे, अपीयरेंस पे, कलर्स एंड फॉन्ट्स पे, और सिंपली आ जाएंगे आप बेसिक के सबसे नीचे टेक्स्ट एंड फॉन्ट, और आप इसको बड़ा करके कर देते हैं 22। ओके, अप्लाई, अप्लाई एंड ठीक है। तो सिंपली इसने क्या किया, देखो HTML टैग लगा दिया और हेड टैग लगा दिया। हेड टैग के अंदर इसने टाइटल भी लगा दिया। तो हम देख देते हैं दिस इज आवर होम पेज। और उसके बाद बॉडी टैग है, बॉडी टैग में आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो बॉडी टैग में मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक H1 लगा सकता हूँ, H1, और इस लिख देता हूँ दिस इज प्रोजेक्ट फॉर जस्ट टेस्टिंग, ठीक है। और लिख देते हैं पैराग्राफ टैग भी लगा देता हूँ, लिख देते हैं वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसको सेव कर देंगे, ये हमारा होम पेज है। नेक्स्ट, अब पहले रन करके देख लेते हैं क्या हमारा होम पेज चल रहा है। तो सिंपली आप अपने प्रोजेक्ट पे माय प्रोजेक्ट स्टार्ट पे राइट क्लिक करोगे और सिंपली क्या करोगे, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है रन एज का, और रन एज ऑन सर्वर, रन ऑन सर्वर पे क्लिक कर दोगे। ये आपसे पूछेगा किस सर्वर को यूज करना चाह रहे हो, तो मैं टॉमकैट 8.5 नेक्स्ट करूंगा और फिर फिनिश कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लेगा सर्वर को स्टार्ट करने के लिए, और स्टार्ट करने के बाद सिंपली आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का इंडेक्स पेज स्टार्ट हो गया है, प्रोजेक्ट का ओपन भी हो गया इंडेक्स पेज, और आपको इंडेक्स पेज में आपने लिखा था दिस इज प्रोजेक्ट फॉर जस्ट टेस्टिंग, ठीक है, और आपने यहाँ पे चीज लिखा। बट आप क्या कर सकते हो, इस URL को आप कॉपी कर सकते हो, ओपन कर सकते हो अपने क्रोम पे। तो हम लोग URL को कॉपी कर लेते हैं और सिंपली आते हैं यहाँ पे क्रोम, क्या करते हैं पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए आपका इंडेक्स पेज स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि आप HTML पे, देखिए यहाँ पे मैंने JSP पे लिखा है HTML, साथ ही साथ में अगर मुझे लेट अस सपोज डेट भी प्रिंट करनी है तो मैं JSP भी यूज़ कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक्सप्रेशन टैग और लिख देंगे न्यू डेट जावा डॉट डेट, और SQL वाली डेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यूटिल वाली डेट, और हम लिख देंगे डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, सिंपली सेव कर देंगे। और फिर आके हम क्या करेंगे, अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए डेट भी दिखेगी। इसका मतलब इंडेक्स पेज हमारा परफेक्ट चल रहा है। एक मैं सर्वेड भी बना के दिखा सकता हूँ। इसी तरह आप दूसरे यहाँ पे वेब कंटेंट में पेजेस को बनाते जाएंगे और एक्सेस करते जाएंगे, जैसा हम लोगों ने ट्यूटोरियल में सीखा था। नेक्स्ट, एक सर्वेड भी बना के दिखा देता हूँ। तो सर्वेड बनाने के लिए सिंपली आप सोर्स पैकेजेस में आओगे, राइट क्लिक करोगे और न्यू पेज आओगे और सिंपली यहाँ एक पैकेज बना लोगे। पैकेज बनाना मैंडेटरी है, ठीक है। तो पैकेज का नाम दे देंगे हम लोग com.my.servlet। अब आप लोग पूछोगे कि सर यहाँ पे मैंने कॉम से क्यों पैकेज स्टार्ट किया, तो पैकेज देने का एक कन्वेंशन है कि आपका जो पैकेज होना चाहिए वो हमेशा आपका जो डोमेन होगा वेबसाइट का उसका रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। लेट अस सपोज अगर मेरा डोमेन है www.textofindia.co.in, तो हमारा जो पैकेज का नेम होना चाहिए, रिकमेंडेशन है in.co.textofindia, और उसके बाद जो काम से रिलेटेड आप काम कर रहे हो उसका एक फोल्डर। बट अभी ये प्रोफेशनल ऐप नहीं बना रहे हैं, अगर प्रोफेशनल ऐप बना रहे होते, शायद वेबसाइट बना रहे होते, तो हम वैसा ही नाम यहाँ पे देते। लेकिन अभी आप कोई भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है, पैकेज है, आप काम कर रहे हो तो आप कोई भी नाम दे सकते हो, पैकेज डेवलपर चूज करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पैकेज का नाम दे दिया com.my.servlet, सिंपली इसको फिनिश कर देंगे। तो आप देख पाओगे कि SRC के अंदर एक पैकेज बन गया है। अब हम लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपली क्लास चूज कर सकते हो, क्योंकि सर्वलेट एक जावा की क्लास है। बट यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सर्वलेट का भी, ये सर्वलेट का ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हो। तो मैं तो सिंपली क्लास चूज करके भी सर्वलेट बना सकता हूँ और सर्वलेट चूज करके भी सर्वलेट बना सकता हूँ। तो मैं दोनों करके दिखा देता हूँ आप लोग को। मैं सिंपली करूँगा क्या, क्लास पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नाम दूंगा सिंपली माय फर्स्ट सर्वलेट, और उसके बाद मैं क्या करूँगा सिंपली इसका मुझे कोई पेरेंट बनाना है सुपर क्लास, तो मैं यहाँ पे ब्राउज करूँगा सुपर क्लास और टाइप करूँगा यहाँ मुझे बनाना है HTTP सर्वलेट को अपना सुपर क्लास। तो सिंपली HTTP सर्वलेट को मैं चूज़ कर लूँगा, ओके कर दूँगा, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे।
देखेंगे हमारा सर्वलेट देखिए रेडी है। अब हमें मेथड्स को ओवरराइड करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ डूगेट मेथड। तो सिंपली मैं चलूँगा सोर्स पैकेज सोर्स में और यहाँ पे ओवरराइड मेथड्स है और ओवरराइड में मैं चूज़ करूँगा डूगेट और ओके कर दूंगा। तो सिंपली आपका डूगेट मेथड आ जाएगा, यहाँ डूगेट मेथड आ गया। अब आपको आउट क्या करना है, इसके अंदर सारा प्रोसेसिंग लॉजिक लिख देना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, पहले मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड या सेट कॉन्टेंट टाइप, और आप यहाँ पे टाइप में मैं देने वाला हूँ टेक्स्ट स्लैश html, और उसके बाद मुझे चाहिए प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। अब हम इसकी हेल्प से ब्राउज़र पे राइट कर सकते हैं, तो मैं लिखूँगा आउट डॉट प्रिंट ln, और मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर लूँगा, लिख दूँगा पहले h1 लगाऊंगा क्योंकि मुझे रेस्पॉन्स में थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा चाहिए, तो मैं हेडिंग की हेल्प से बड़ा करूंगा। उसका लिख दूंगा दिस इज फर्स्ट सर्वलेट यूजिंग इक्लिप्स एंड टॉमकैट। ठीक है, सिंपली आप क्या करिए सेव कर दिए इसको। और फिर हम अपने स्ट्रिंग को बंद कर देते हैं, तो हमारा सर्वलेट बन गया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग web.xml में कर देते हैं। तो अपना web.mapping, तो हम लोग अपना web.xml ओपन करेंगे और यहाँ पे आएंगे और हम लोग आ जाएंगे अपने वेब ऐप के अंदर और यहाँ पे लगाएंगे सर्वलेट, और सर्वलेट टैग के अंदर हम लोग लगाएंगे दो और टैग सर्वलेट नेम दे देंगे फर्स्ट सर्वलेट, और सर्वलेट में क्लास दे देंगे सर्वलेट क्लास, और सर्वलेट क्लास में हम लोग को फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम देना है। तो इसे देखिए फुल्ली क्वालिफाइड, सबसे पहले आप पैकेज का नाम ले लीजिए, तो हम पैकेज का नाम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे क्लास का नाम। तो क्लास का नाम हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और डॉट सिंपल, तो सर्वलेट डिक्लेरेशन हो गया। मैपिंग करने के लिए हम लगाएंगे सर्वलेट डैश मैपिंग, और सर्वलेट मैपिंग के अंदर हम लिखेंगे सर्वलेट डैश नेम, और नेम में लिखेंगे हम लोग फर्स्ट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सर्वलेट डैश क्लास URL मैपिंग, तो हम लोग कहेंगे URL डैश मैपिंग, और मैपिंग में हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे फर्स्ट, ठीक है, और सेव कर देंगे। और ये कुछ वार्निंग दे रहा है, देख लेते हैं भाई क्या वार्निंग दे रहा है। कह रहा है CVC कंपेटेबल टाइप 2.4 invalid content found starting with url mapping of, ठीक है, तो url mapping की जगह होगा url pattern, ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे आप url pattern, और यहाँ भी हम क्या करते हैं url pattern सेव कर देते हैं, सिंपली सारा काम हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से रन करेंगे और रन करने के बाद अपना फर्स्ट सर्वलेट चलाएंगे, देखेंगे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सिंपली आप क्या करिए प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करिए, रन एज ऑन सर्वर, और फिर से हम नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। पूछा रिस्टार्ट कर दें सर्वर, मैं कहूँगा यस, आप रिस्टार्ट कर दिए सर्वर को, ये स्टॉप करेगा फिर रिस्टार्ट करेगा डिप्लॉय करेगा सारा काम करेगा। और यहाँ पे मैं स्लैश लगा के फर्स्ट फायर करूँगा और देखूँगा, देखिए दिस इज फर्स्ट सर्वलेट। तो सिंपली आप सर्वलेट्स को बना सकते हो, काम कर सकते हो, बहुत ईजी है। आप डॉक्यूमेंटेशन देखिए कैसे सर्वलेट बनाना है, देखिए क्लिप पे कैसे काम करना है। अब आप सिंपली यहाँ पे सर्वलेट्स बनाइए, यहाँ पे JSP बनाइए, सर्वलेट बनाने के बाद web.xml में उसके सिंपली क्या कर दिए मैपिंग में दो चीज़ होती है, सर्वलेट डिक्लेरेशन एंड सर्वलेट मैपिंग। सर्वलेट डिक्लेरेशन के अंदर सर्वलेट नेम होता है, सर्वलेट क्लास होता है, फिर सर्वलेट नेम और URL पैटर्न सर्वलेट मैपिंग में होता है। आप क्या कर सकते हो, एनोटेशन के थ्रू भी मैपिंग कर सकते हो, आप डायरेक्ट सर्वलेट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, देखो दूसरा सर्वलेट एक बार हम लोग और बना लेते हैं। हम लोग अपने पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और सिंपली सर्वलेट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे सर्वलेट का क्लास नेम दे सकते हैं। तो मैं कहता हूँ सेकेंड, ठीक है सेकेंड, और सेकेंड के बाद मैं क्या करूँगा सिंपली मैं नेक्स्ट कर दूंगा, और नेक्स्ट करने के बाद देखिए URL मैपिंग, देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है URL मैपिंग ये रखेगा सेकंड। आप URL मैपिंग आप दे दीजिए अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना है, अदरवाइज स्लैश सेकंड फायर करोगे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे, तो इसने एक सर्वलेट बना दिया। सर्वलेट के अंदर डू गेट डू पोस्ट है,
दोनों चीज़ें हैं। नेक्स्ट उसकी चीज़, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसने एनोटेशन के थ्रू मैपिंग की है, दैट मीन्स काम वही है, बट आप ये चीज़ लगा के भी मैपिंग बता सकते हो और वेब डॉट एक्सएमएल में भी मैपिंग बता सकते हो, तो आपकी मर्जी है। तो काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है, तो इसलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और हम लोग अभी जस्ट लाने वाले हैं प्रोजेक्ट, तो आप लोग वेट करिए। कीप ऑन वॉचिंग वीडियोज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।